आज मौजूद हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त और पाकिस्तान के एक बहुत ही शानदार एक्टर, आई एम अ बिग फैन, ये अवार्ड जीत चुके हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एक दूसरे चैनल के ड्रामे के लिए, हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमारे साथ मौजूद है पारस। हेलो पारस, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द मॉर्निंग स्टार। थैंक यू सो मच। आप क्या सोचोगे आज सुबह क्या खाया जो इतनी एनर्जी है? एनर्जी की मैं आपको वजह बता दूं, जब आपके बहुत करीबी दोस्त आपसे मिलने आते हैं, आपको सपोर्ट करने आते हैं, तो एनर्जी इतनी ही अच्छी हो जाती है। आज मेरी एक और दोस्त है हमारे साथ, शी इज़ वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बड़ी इनसे ज़हनी मांगी है, हम लोगों ने एक ड्रामा भी साथ किया हुआ था और उसके बाद इनकी शादी हो गई, शादी पे भी हम बहुत नाचे, उसके बाद आज माशाल्लाह शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ फैंटेस्टिक एक्टर, मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही जिगरी सना आस्कर। और इनको कोई अवार्ड नहीं मिला आज तक। सही बताओ सना, तुम्हें अवार्ड की क्या जरूरत है, तुम्हें रिवॉर्ड की जरूरत है? मुझे सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड रिवॉर्ड रिवॉर्ड। हाँ, ये बड़ी अच्छी क्लिप मैंने देखी थी इंटरनेट पे, एक इंटरनेशनल एक्ट्रेस की, वो कहती थी कि अवार्ड से क्या होगा, रिवॉर्ड चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए इतना सारा। बट पारस सना, वेलकम टू द शो, आई एम सो हैप्पी that you We're guys We're so happy to be here and seeing you. Oh my god, what's with the accent? So much English. सरा भी, मैं और सरा तकरीबन एक ही स्कूल से पढ़े, तकरीबन क्या, हाँ एक ही स्कूल से। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पारस और सरा को आज बुलाने का मकसद बेसिकली क्या था, जब पारस और सरा की बात करते हैं, दे आर टू फाइनेस्ट एक्टर्स पाकिस्तान प्रॉब्ली हैज एवर प्रोड्यूस्ड इन दिस एज ग्रुप, दे आर इन माई एज ग्रुप, मेरी जनरेशन के हैं। हम आज इनसे क्या बात करेंगे, ज़ाती ज़िंदगी कैसी चल रही है, दोनों ने नेपा से तालीम हासिल की, एक्टिंग की, दोनों ने थिएटर किया है, इनकी स्ट्रगल कैसी रही है ये मेन स्ट्रीम में काम करना, मेन स्ट्रीम के अलावा काम करना, आज भी थिएटर इनका फर्स्ट लव है या नहीं, ये सब बात जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट, कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन ये मेरी दोस्त है तो फिर पारस कहेगा अपनी दोस्त से ही बातें करता रहा, मुझे तो इग्नोर कर दिया। पारस, मुझे सबसे पहले ये बात बताएं, आपका जो सुपरहिट प्रोग्राम था, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, इसका आइडिया कहाँ से आया, ये नाम कैसे आपके दिमाग में? ये एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि जब ये शो डिज़ाइन हो रहा था तो इसके टारगेट ऑडियंस पे बात हो रही थी और इसके टाइटल पे बात हो रही थी कि क्या होना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रोग्राम था वो एक ऐसा एम्ब्रेला था जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के सारे केसेस को केटर करता हो, या एक आम आदमी की बात जो है वो आगे तक पहुँचाता हो, ऐवानों तक और पॉलिटिशियंस तक और बाहर तक। तो अब सोचा जा रहा था कि क्या करें और ये शो देखेगा कौन, ये बात हो रही थी कि देखेगा कौन, ऑडियंस पे बात हो रही थी, टारगेट ऑडियंस पे। तो जो सारी टीम बैठी हुई थी उसमें जो मेन राइटर हैं जावेद सभा साहब, बड़े मायनास शायर हैं हमारे पाकिस्तान के, तो ऐसे ही बातों बातों में मुख्तलिफ नाम सजेस्ट हो रहे थे, तो अचानक उन्होंने ये जुमला एक तरह से एक जोक क्रैक किया था कि वहाँ पर जो रिसेप्शन पे एक बंदा बैठता है उसका नाम है शब्बीर और उसके सामने दो बड़ी स्क्रीन्स लगी होती थी, ये शो कौन देखेगा, उन्होंने कहा कोई देखे ना देखे, तो मजाक में उन्होंने कहा कि बोला कौन देखेगा, बोला कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तो ये एकदम से क्लिक हुआ, बोला यार ये तो जबरदस्त बात है, और शब्बीर का नाम जो है, हम ऐसा एक नाम ढूंढ रहे थे कि कौन देखेगा कि जो एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करता हो, तो शब्बीर जो नाम है ना वो हर दूसरे तीसरे आदमी का नाम है, बहुत आम नाम है। सना भी हो सकता था। हाँ, सना तो देखेगा, पत्थर उठाओ और सनाई निकलती है, लेकिन सना शब्बीर सना हो सकती है, शब्बीर जो है सना शब्बीर हो सकती है, लेकिन शब्बीर सना नहीं, सुरेश सना उल्लाह हो सकता है। समझ रहे हैं, देखो देखे ना देखे, सना उल्लाह तो देखेगा, तो इसीलिए जो है ना ये एक नाम। बट पारस, आई मस्ट से यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, लेकिन मुझे एक चीज जो जाननी है कि इस तरह का शो करने से बहुत खतरा लाहक होता है। देखिए, हमारी इंडस्ट्री का एक मसला है, हमारे यहाँ का एक मसला है, यहाँ पे टैगिंग हो जाती है, समझ रहे हैं। अब मैंने एक शो कर लिया तो लोग ये कह रहे, अब मैं तो अंदर से आर्टिस्ट हूँ भाई, एक्टर हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी तरह से पहचाना जाए। अब वो जब शो कर लिया तो सब कह रहे हैं ये तो होस्ट है, ये तो शब्बीर है, ये तो शब्बीर है, ये तो शब्बीर है, समझ रहे हैं। अब आपने भी इंट्रोडक्शन यहीं से कराया, आई थिंक ये मेरी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन मेरा ये मेरी पहचान नहीं है, मेरी पहचान एज एन एक्टर है कि मैं एक्टर हूं, अब एक्टर कुछ भी कर सकता है। एंड आई थिंक यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर, अभी आपकी फिल्म रिलीज हुई है जावेद इकबाल, अभी भी वो केस चल रहा है, नहीं कि वो तो पंजाब में चल रहा है ना, नहीं नहीं सिंध में भी, अभी सिंध भी हो गया, एवरीवेयर इट्स नॉट रिलीजिंग, अभी केस चल रहा है और वो और फिर देखिए कहा जाता है कि कोई डिफरेंट काम क्यों नहीं करते, फिर कहते हैं कि कोई डिफरेंट काम क्यों नहीं करते, क्या करें,
अच्छा ये सना से जो मैं बातें करना चाहता हूँ, पहले मुझे सना से इजाजत देनी पड़ेगी। सना ने मुझे आते कहा कि कोई फजूल सवाल तुमने किया तो फिर मैं बेटा तुम्हें बताऊंगी। मैंने कहा अच्छा सना, तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाएगा, पिज्जा बन रहा है, पारस और सना हमारे साथ है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं यू कैन कॉल अस राइट अवे और अपने दिल की हर बात आप हमसे, मुझसे, सना से, पारस से कर सकते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग शो, वी विल बी राइट बैक।